देखें अल्लाह ताला की कुदरत, माशाल्लाह बिल्ली है कितनी खूबसूरत है। इसकी आंखें देखें यार, एक ब्लू है और एक ब्राउन ब्राउन है। तीन पहले बंदे लगे हुए हैं जनाब, एक गाड़ी को लोड करना है, 5 मिनट में लोड कर देंगे। ये लोड चेक करें भाई, ये जनाब देखें कितना बड़ा लोड है यार। ये देख लें भाई, ये लाइनें लगती हैं रियाज नो एंट्री खुलने के बाद। ये तो भी मेरा कैमरा आपको दिखा नहीं ना सकता, नहीं तो बहुत लंबी लाइन है। और अस्सलाम वालेकुम, हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फिट फाट वेलकम है जी आप सबका आज के नए व्लॉग में। दोस्तों मेरा नाम उमर इजाज़ है और मैं सऊदी अरब में ट्रक ड्राइवर हूँ। अगर आप ट्रकिंग के रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने का शुक्रिया, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो आज के दिन की तरतीब दोस्तों कुछ ऐसे है कि मैं इधर पहुंच गया हूं दमाम में, रात में पहुंच गया था, इधर पहुंच के सोया था। अभी इधर गाड़ी खाली करनी है, ये सामने गाड़ी खाली हो रही है, बल्कि खाली हो गई है। तो अभी ये निकालता फिर इधर गाड़ी लगा के तो मैं भी खाली करता हूँ। उसके बाद जनाब लोड बुक है मेरा जद्दा का, वो भी कॉल नहीं कर रहा है, तो उसके बाद फिर वो लोड करने जाना है। फिर करवाते हैं गाड़ी खाली, फिर जाते हैं नेक्स्ट लोड पे इंशाल्लाह। दोस्तों अभी टाइम जो है ना 11 हो गए हैं, तो अभी मेरी गाड़ी खाली कर रहे हैं। पहले डियाने लोड करते रहे हैं, फिर एक गाड़ी आई हुई थी पहले, वो लोड खाली की है। तो अभी जो है ना गाड़ी खाली कर रहे हैं मेरी, अभी खाली करने में भी घंटा लगा देंगे। उसके बाद जो है ना सामान चेक करेंगे तो फिर पेपर मिलेंगे। टाइम काफ़ी हो गया, अभी वो लोडिंग वाला भी फ़ोन पर फ़ोन कर रहा है, अभी उधर भी जाना है, देखते हैं अब कब तक पहुंचा जाएगा उसके पास। दोस्तों अभी थोड़ी सी रह गई है मेरी गाड़ी, बस पहले उस साइड से खाली की है, इधर गाड़ी खड़ी की हुई थी, अभी थोड़ा इधर किया तो इस साइड से उतार रहा है। ये मसौदा इनका, इधर लेके जा रहा सामान। तो अभी जो है तकरीबन 7-8 पैलेट रह गए हैं बस, इंशाल्लाह 10 मिनट में खाली हो जाएगी बस। उसके बाद पता नहीं पेपर कब देता है, वो पता नहीं कितना टाइम लगाता है, देखते हैं। अभी टाइम तो थोड़ा ही रह गया, अभी इंशाल्लाह जल्दी खाली हो जाएगी। हाँ जी दोस्तों, ये देखें अल्लाह ताला की कुदरत, माशाल्लाह बिल्ली है कितनी खूबसूरत है। इसकी आंखें देखें यार, एक ब्लू है और एक ब्राउन ब्राउन है। इधर की बिल्लियाँ जो है ना डरती नहीं है बिल्कुल भी, पास पास आती हैं, और मैं तो आंखें देखे हैरान हो गया हूँ। ये देखें इसकी माशाल्लाह, अल्लाह ताला की कुदरत ही है ना यार, एक जानदार है और उसकी दो आँखें, दोनों अलग अलग कलर हैं। बिल्लियाँ इधर बहुत ज़्यादा घूमती रहती हैं, ये किसी ने रखी नहीं हुई, वैसे मेरे ख्याल से घूम रही है। अगर किसी ने रखी होती तो फिर इसकी इस तरह की हालत ना होती, गंदी मंदी है, लेकिन वैसे बहुत खूबसूरत है। आंखें चेक करें इसकी, जी दोस्तों अभी यार 12:30 हो गए हैं, अभी इन्होंने मुझे पेपर साइन करके दिए हैं, काफ़ी लेट कर दिया। अभी निकल रहा हूँ जी नेक्स्ट लोड की तरफ, वो भी इंतज़ार कर रहा है, कल शाम का फ़ोन कर रहा है सुबह किस टाइम आओगे। मैंने बोला 10 बजे मैं पहुंच जाऊंगा, अभी इधर से तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम भी लग जाएगा मुझे उधर पहुंचने में। चले खैर, 12:30 हो गए हैं, 2 बजे तक इंशाल्लाह पहुंचूंगा उधर, उधर से फिर नेक्स्ट लोड करके तो निकलते हैं, अल्लाह खैर करे जिद्दा की तरफ। जी दोस्तों अभी मैं इधर लोडिंग वाली जगह पे पहुंच गया हूँ, टाइम जो है ना अभी 1:30 हो गया, तो 2 बजे तक इनको ब्रेक है, 2 बजे के बाद लोडिंग करेंगे,
लाइन का लोड करना है आज हमने, और ये सामान उन्होंने बाहर निकाल के रखा हुआ है, पता नहीं ये लोड करेंगे या क्या लोड करेंगे। 14 पैलेट लोड करते हैं और ये भी 14 पड़े हुए हैं मेरे ख्याल से, यही लोड करेंगे। देखते हैं अभी तो रेस्ट पे हैं सब, फोकलिफ्टर खड़े करके तो अभी सोए हुए हैं, 2 बजे आएंगे वापस, 2 बजे तक इंतज़ार करते हैं फिर इंशाल्लाह लोडिंग करके तो निकलेंगे जद्दा की तरफ। जी दोस्तों अभी लोडिंग स्टार्ट कर दी है इन्होंने, 2-3 फोकलिफ्टर लगे हुए हैं, 5-7 मिनट में गाड़ी लोड हो जाएगी इंशाल्लाह। प्लाई का लोड है, ये प्लाई होती है ना वो लोड है, तो तकरीबन वजन होगा इसका 22 टन तकरीबन, डबल लोड करनी है उन्होंने, टोटल मेरा ख्याल से 14 पैलेट लोड करेंगे। 3 पैलेट बंदे लगे हुए हैं जनाब, एक गाड़ी को लोड करना है, 5 मिनट में लोड कर देंगे। वो नीचे वाला तो धक्का लगा, वो बंद नहीं हुआ, वो उस साइड से भी निकल गया, उस साइड वाला भी निकल गया, अभी पहले ठीक था अभी निकल गया बाहर। हाँ ठीक है रखो। हाँ जी दोस्तों गाड़ी लोड हो गई है, पेपर भी मिल गए हैं, वजन यार आज काफ़ी है तकरीबन 22-23 टन है, और मेरा एक जो है ना गाड़ी का एक टायर जो है ना ये मट है, तारे निकली हुई है, इसको चेंज करवाना पड़ेगा। वो देखिए दरमियान में ना फासला है अभी, अगर दरमियान में फासला हो तो फिर काम चल जाता है, ओके है, अगर दरमियान से ये दोनों टायर जुड़े हो ना, अगर भाई दरमियान से दोनों टायर जुड़े हो ना तो फिर समझ लें कोई एक टायर पंचर है या हवा कम है, तो वो बर्बाद लेनी चाहिए। दोनों टायर जुड़ के जाएंगे तो 40-50-60-100 किलोमीटर बाद जो है ना टायर आपस में जुड़ जुड़ के रगड़ खाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो फिर टायर फट जाता है ना। जब भी लोड ज़्यादा करें ना ये चेक कर लेना चाहिए, वैसे भी टायर चेक करना चाहिए, टायर की हवा वगैरह चेक करते रहना चाहिए, अगर हवा कम होगी तो टायर बहुत जल्दी फट जाता है, अगर टायर की हवा पूरी होगी तो बिल्कुल माठा भी हो ना, जैसे ये अभी दूसरा टायर मैंने आपको दिखाया, तो गुजारा हो जाता चल जाता है। अभी जनाब निकलते हैं इधर से, टाइम 3 हो गए हैं, रिवर्स निकाल के पीछे फोकलिफ्टर वाला खड़ा है, तो पिछा कार गड्डी जी दोस्तों अभी इधर पेट्रोल पंप पे आया हूँ, इधर जनाब डीजल भरवा लेता हूँ, टाइम भी हो गया नमाज का और नमाज भी पढ़ के, तो खाने के लिए भी कुछ ले लेता हूँ, भूख लग गई है, इधर खाना तो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ तो मिलेगा ही ना खाने के लिए। डीजल 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 इधर है भाई। जी दोस्तों अभी मैं जो है ना दमाम से निकल के जद्दा की तरफ जा रहा हूँ, ये लोड चेक करें भाई, जनाब देखें कितना बड़ा लोड है यार भाई, इस तरह के लोड जो है ना जब रोड पे निकलते हैं तो फिर दूसरी ट्रैफिक के लिए जो है ना रास्ता बंद कर दिया जाता है, पता नहीं किस तरतीब के साथ इतनी ट्रैफिक है इधर, पता नहीं किस तरतीब के साथ फिर इसको इधर से लेके निकलेंगे, दमाम से मेरे ख्याल है लेके आए हैं और पता नहीं किधर लेके जाना है अभी इन्होंने,
लेकिन अभी जो है ना इधर रास्ते में रुके हुए हैं। तो अक्सर ऐसा होता है इस तरह के लोड जो है ना कितने कितने दिन ऐसे ही एक साइड पे रुके रहते हैं, फिर जो है ना इनको अप्रूवल मिलता है तो फिर ये रोड पे लेके निकलते हैं। जी दोस्तों अभी शाम के 5:30 हो गए हैं, तो शाम का व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, मैंने सोचा चलो आपको भी दिखा दूँ। सूरज ग्रूप हो रहा है अभी। तो अभी मेरा रास्ता जो है ना तकरीबन 3-4-5 घंटे लगेंगे अभी मुझे रियाज पहुंचने में। 2 घंटे का सफ़र मैंने कर लिया, 4-5 घंटे का सफ़र बाकी है। खाना भी अभी खाना है शाम का, देख के होटल फिर ब्रेक भी मारनी है, इसलिए जो है ना अभी इधर से रियाज 343 किलोमीटर है, 343 तकरीबन 4-5 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि वज़न भी कुछ ज़्यादा है तो आराम आराम से चलानी है गाड़ी, इसलिए चलो अल्लाह खैर करे चलते हैं फिर। दोस्तों अभी शाम के जो है ना 7:30 हो गए हैं, तो जनाब इधर मेरा दिल खाना खा लें, रोक के गाड़ी एक पेट्रोल पंप आया, इधर जगह भी है पार्किंग के लिए भी और होटल वगैरह भी है पाकिस्तानी, इंशाल्लाह इधर खाना खा के तो फिर आगे निकलता हूँ। एक जगह बनी हुई है पार्किंग, काफ़ी खुली जगह है, कच्ची पार्किंग है, वो सामने पेट्रोल पम्प है, उधर होटल बना हुआ है, इंशाल्लाह खाना खा के तो फिर निकलते हैं आगे का सफ़र। अभी तकरीबन 2.5-3 घंटे का सफ़र बाकी है मेरा रियाज का। जी दोस्तों आज सब्जी मंगवाई है, आलू फली, साथ में रोटी है, पानी है, अभी चेक करते हैं कैसी है, बोला मज़े की है कैसी है सब्जी। दोस्तों आलू फली की मंगवाई है और साथ में उन्होंने चार भी दिया, चलो ये तो अच्छा हो गया, चार भी देखने में मज़ेदार ही लग रहा है, अभी खा के चेक करता हूँ। जी दोस्तों अभी खाना खा के निकल रहा हूँ, खाना अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह, पेट भर के खाया, तो अभी टाइम जो है ना 8 हो गए हैं, तो रियाज पहुँचने में तकरीबन जो है ना 2-2.5 घंटे, दो नहीं तकरीबन 2.5-3 घंटे लग जाएंगे अभी मुझे रियाज पहुंचने में, तो 2.5-3 घंटे लगेंगे, लेकिन रियाज से निकलने में पता नहीं अभी कितना टाइम लगेगा, ये अभी उधर जाके पता चलेगा, क्योंकि न्यू एंट्री खुलनी है रात को 11 बजे और फिर जो है ना रश हो जाना बहुत ज़्यादा, सुबह तक रश ही रहना है। तो रियाज बाहर निकल के इंशाल्लाह सोएंगे जद्दा की तरफ, जद्दा का लोड है अपना, तो रियाज क्रॉस करके इंशाल्लाह सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के अपना सफ़र स्टार्ट करूँगा। ये देख लें भाई, ये लाइनें लगती हैं रियाज नो एंट्री खुलने के बाद, ये तो भी मेरा कैमरा आपको दिखा नहीं ना सकता, नहीं तो बहुत लंबी लाइन है, और पीछे भी जनाब 11:30 बजे से लेके लाइन में लग के आ रहा हूँ, अल्लाह अकबर, चलो कदी दे मुके दी ना, पीछे भी लाइन लगी हुई है, अंधेरा नज़र नहीं आएगा सही। जी दोस्तों भी मैं तकरीबन रियाज से बाहर निकला आया हूँ, चेक पॉइंट के बिल्कुल करीब हूँ, तो ये सामने दूसरी साइड पे लाइन लगी हुई है जनाब, जो गाड़ियाँ रियाज में एंटर हो रही हैं जनाब पार्किंग से निकल के,
अभी इस टाइम ना गर्द काफी उड़ी हुई है, इसलिए आपको नजर आ रहा होगा मट्टी काफी है हवा में, कुछ थोड़ी हवा भी चल रही है, कुछ इधर से जब गाड़ियां निकलती है ना बहुत मट्टी उड़ती है, बहुत ज्यादा देख लें उधर से ज्यादा निकल रही उड़ रही है मट्टी, इधर से गाड़ियां निकल के आ रही हैं। ये डबल लाइन में भाई लगी हुई है गाड़ियां इस टाइम। सही नजर नहीं आ रहा होगा लेकिन मिट्टी धूल मिट्टी काफी है ना इसमें। बहुत ज्यादा भाई गाड़ियों की धूल मिट्टी थी, इतनी हवा नहीं है, पीछे गाड़ियां जो है ना कच्चे से आ रही हैं कच्ची जगह से, इसलिए मिट्टी ज्यादा उड़ी हुई थी उधर। रोड ही भाई ब्लॉक हुआ पड़ा है, छोटी गाड़ियों को भी जगह नहीं मिल रही नहीं गुजरने की, जिन्या मर्जी लटा मार इतने नहीं तेन राह लभदा। तकरीबन रियाज से निकल आया हूँ, अभी 2 किलोमीटर पे चेक पॉइंट है, तो क्रॉस करके तकरीबन 20 किलोमीटर आगे जाके जो है ना पार्किंग है उधर जाके सोऊंगा। टाइम 12:30 हो गए हैं, उधर पहुँचने तक 1 हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह सुबह उठ के अपना नेक्स्ट सफर स्टार्ट करूँगा। तो अभी फिर आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म करते हैं, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।